नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओमकश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और अहमदाबाद में साबरमती किनारे आप देख रहे हैं हल्ला बोल का ये स्पेशल एपिसोड, क्योंकि चुनावी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। अगर ये जंग है 2024 का चुनाव है तो पहले चरण का मतदान 102 सीटों पर 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज पूरा होने वाला है। 5 बजे तक के आए आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि 63% ओवरऑल मतदान तमाम 102 सीटों पर हुआ है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 77% के करीब वोटिंग हुई है, जहां पर 3 सीटों पर आज वोटिंग हुई। पहुंचिए उत्तर प्रदेश में, जहां पर 8 सीटों पर वोटिंग हुई है और उत्तर प्रदेश में 57% वोटिंग हुई है। बिहार में वोटिंग बहुत कम हुई है, 4 सीटों पर सिर्फ 46% यहां पर वोटिंग हुई है। राजस्थान की 12 सीटों पर लगभग 50% वहां पर मतदान हुआ है। महाराष्ट्र की 5 सीटों पर थोड़ी बेहतर स्थिति है, 55% यहां पर है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है। तमिलनाडु की सारी 39 सीटों पर वोटिंग हो गई है, 62% यहां पर मतदान हुआ है। आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं, क्योंकि कई बार वोटिंग के बाद आंकड़ों के नजरिए से ये समझने की कोशिश होती है कि सत्ता के पक्ष में या सत्ता के खिलाफ ये वोटिंग प्रतिशत बढ़ता या घटता है। आकलन इसका अपने अपने तरीके से होता है, लेकिन इसी के साथ ये भी याद रखिए कि कई बार के चुनाव इसको गलत साबित कर चुके हैं। माना यही जाता है कि ज्यादा वोटिंग हो तो वो सत्ता पक्ष के खिलाफ है, कम हो तो वो सत्ता के पक्ष में वोटिंग है, लेकिन कई बार इसके विपरीत हो चुका है, इसलिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता है स्पष्ट और प्रमाणिक तौर पर। सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद, बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आइए पहले आपको सुना देते हैं आज दोनों ही तरफ से पहले दौर के मतदान में क्या दावे किए जा रहे हैं। यूपी में एक बार फिर दो शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल, और ये दो शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। यूपी के लोग गुंडा राज का वो दौर कभी भी भूल नहीं सकते हैं। आए दिन यूपी में दंगे होते थे, लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता था। ये हमारे योगी जी ने आपकी सुरक्षा के लिए यूपी को ऐसे अपराधियों से मुक्ति दिलाई है। अयोध्या में राम मंदिर बना तो ये सपा कांग्रेस दोनों पार्टियों ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, वोट बैंक के भूखे लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निमंत्रण ठुकरा गए, लेकिन इससे भी उनका मन नहीं भरा। उनको लगा कि शायद वोट बैंक कच्ची रह जाएगी, और इसलिए ये लोग आए दिन राम मंदिर और सनातन आस्था को गालियां दे रहे हैं। कि समंदर के नीचे मूल द्वारिका है, और वहां मैं गया, समुद्र में बहुत गहरा चला गया, और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ मैंने पूजा की। लेकिन कांग्रेस के साजादे कहते हैं कि समंदर के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं। हमारी हजारों वर्ष की मान्यता को, भक्ति को, जिसके साक्षात सबूत है, इस तरह खारिज कर रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के खातिर।
तो सनातन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घेरते नजर आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी के दो लड़के शूटिंग कर रहे हैं। बहरहाल इन तमाम मुद्दों को एक तरफ रखिए, दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार संविधान लोकतंत्र को लेकर विपक्ष की तरफ से हमलावर है मोदी सरकार पर। अब आइए तीसरी बात पर, क्योंकि आज वोटिंग को लेकर हमारी चर्चा होने वाली है। पहले दौर के मतदान में बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अलीपुरद्वार, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी तीन जगहों पर पश्चिम बंगाल में वोटिंग थी। जलपाईगुड़ी में तो लगभग 80% 79.3% 79.3% यहां पर वोटिंग हुई है। इसी के साथ आपको बता दें जो अन्य सीटें पश्चिम बंगाल की है, यहां पर बंपर वोटिंग हुई है। इसमें क्या संकेत मिलते हैं ये भी आपको दिखाएंगे। पहले चरण के मतदान में 102 सीटों पर वोटिंग हो गई है। पश्चिम बंगाल में जिन तीन सीटों पर वोटिंग हुई है उसके आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं अलीपुरद्वार, जहां पर 75.5% वोटिंग हुई है। बहुत मतलब इसको आप मान सकते हैं कि भारी तादाद में वोटिंग इसको कहा जा सकता है, खास तौर पर बिहार के मुकाबले जहां पर वोटिंग प्रतिशत सबसे नीचे है। कूच बिहार आइए, 77.5% 77.5% पश्चिम बंगाल में भारी तादाद में वोट पड़ा है। ये 5 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ जलपाईगुड़ी, जहां पर 79.3% वोटिंग हुई है। अब जल्दी से आपको आंकड़ा दिखा देते हैं हम उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 8 सीटों के लिए आज जो वोटिंग हुई है उसमें एवरेज 57.54% वोटिंग हुई है। लेकिन आज आइए जो सीटें हैं उस पर जब आप पहुंचेंगे, सहारनपुर 63% के आसपास यहां पर वोटिंग हुई है, 63.29% यहां पर वोटिंग हुई है। पीलीभीत, जहां पर जितिन प्रसाद इस बार चुनावी मैदान में है और ये इंडिया गठबंधन में एसपी के खाते में ये सीट गई है, 60.23% यहां पर वोटिंग हुई है। सबसे कम वोटिंग रामपुर में। अगर सीट वाइज इससे कुछ संकेत मिलते हैं तो बहुत दिलचस्प होगा। 52.42% रामपुर में सबसे कम वोटिंग हुई है, और इसीलिए शायद एवरेज जो है 8 सीटों में 57% बहुत कम पहुंच गया है। लेकिन देखिए बिहार में बहुत कम वोटिंग हुई है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में लगभग 46% ही वोटिंग 5 बजे तक हुई थी। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़ेंगे, जिनके पास हम चलेंगे चर्चा करने के लिए। आपको बता दें हमारे तीन सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन देखिए एक बार इन नंबर्स को जरा समझ लीजिए, 77.5% पश्चिम बंगाल में। हिमांशु मिश्रा मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसी के साथ जमुई से रोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, सबसे पहले आपके पास आते हुए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश टोन सेट करेगा। संजीव बालियान लगातार यहां से 2 बार से जीत रहे हैं, बल्कि पिछली बार तो उन्होंने अजीत सिंह को यहां से हरा दिया था। चुनावी मैदान में ये जंग क्या तीसरी बार हैट्रिक लगाने वाली दमदार दिख रही है आपके लिए, या परेशानी का सबब बन सकती है? क्या समझ में आ रहा है आप वहां पर मौजूद रहे? वोटिंग परसेंटेज को देखते हुए यूपी में बहुत ज्यादा वोटिंग नहीं हुई है, लेकिन बिहार के मुकाबले बेहतर स्थिति है, क्या देंगे आप जानकारी? अंजना, मुझे लगता है कि 53% के करीब जो है 5 बजे तक अभी तक जो है यूपी की 8 सीटों पर जो है वोटिंग हुई है। मुजफ्फरनगर में मैं हूं, संजीव बालियान पिछली बार 5000 से कुछ मतों से ज्यादा से चुनाव जीते थे, तब आरएलडी जो है वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। लेकिन इस बार आरएलडी जो है वो बीजेपी के साथ है और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है। बीएसपी जो है वो गठबंधन में नहीं है, लेकिन ये सीट बहुत इंटरेस्टिंग है, ये कह सकते हैं कि सबसे हॉट सीट है, जहां पर सियासत अपने चरम पर है। और उसका कारण यह है कि संजीव बालियान के खिलाफ हरिंदर मलिक है, दोनों जाट कम्युनिटी से है, और तीसरी तरफ जो है वो है दया प्रजापति, यानी कि आप मान सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने भी यहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया है, और मुसलमानों की जो संख्या है यहाँ लगभग 5.5 लाख के करीब है, तो ऐसे में मुस्लिम वोट किधर जाएगा ये देखना है। और दारा प्रजापति किसका वोट काटते हैं? अगर दारा प्रजापति अपने समाज और साथ ही साथ एससी वोट काटते हैं तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि ये जो सीट है एक बार फिर फंसी हुई नजर आएगी और जीत का मार्जिन जो है बहुत कम नजर आएगा आपको। और ये हिमांशु, ये आपको मैं बताती हूँ, ये जो मुस्लिम तादाद इतना ज्यादा होने के बावजूद मुस्लिम उम्मीदवार ना खड़ा करना विपक्ष की तरफ से दरअसल एक स्ट्रेटजी बन गई। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद
ये साफ देखा गया कि पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, और ऐसे में जब ये साफ दिखा कि अगर आप कोई मुस्लिम उम्मीदवार देते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरएलडी हो, बीएसपी हो, तो बहुत फायदा नहीं होता है, और शायद इसीलिए ये परिस्थिति इस वक्त बनती हुई दिखाई दे रही है जिसका आपने जिक्र किया। किसी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया, बहुत सारी सीटों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है। जल्दी जल्दी एक एक कमेंट ले लेते हैं जिसके बाद मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं। रोहित, आपके पास आते हुए, 46% बिहार में सबसे ज्यादा उदासीनता वोटरों की दिखी है, कैसे इसे समझे? और जमुई पर बात पहले भी हो रही थी, पहले यहां से लड़ते थे खुद चिराग पासवान, ये सीट उनकी झोली में आई, जीजा जी को खड़ा किया, प्रॉक्सी उम्मीदवार कहा जा रहा है उन्हें क्योंकि वो जम के प्रचार कर रहे हैं उनके लिए, खुद चले गए हैं हाजीपुर सीट पर अपने पिता की पारंपरिक सीट पर, लेकिन 46% 46% सबसे कम वोटर्स का यहां पर निकलना क्या इशारा कर रहा है? जी बिल्कुल अंजना, जिस तरीके की वोटिंग हुई है वो कहीं ना कहीं चिंता का सबब है, और चिंता का सबब एनडीए के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए भी है, क्योंकि सभी जो है इसको अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। कुछ का कहना है कि शायद जनता बहुत संतुष्ट है, वो बदलाव के मूड में नहीं है, इसीलिए इतनी ज्यादा संख्या में वोटर्स जो है वो बाहर नहीं निकले थे। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का ये दावा है कि उनके वोटर्स बाहर निकले थे, और जो एनडीए के वोटर्स एक अर्बन वोटर्स होते हैं वो शायद गर्मी के कारण जो है जो 40-42 डिग्री का पारा था, तापमान था, उसके वजह से नहीं निकले हैं। तो सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन जमुई में भी जो है वोटिंग जो है काफ़ी कम हुई है। पिछले 19 की बात करें तो 55% वोटिंग हुई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, इस बार वो घटकर 46% तक आ चुका है। यानी आप समझ सकते हैं किस तरीके की उदासीनता जो है वो वोटरों के बीच में इस वक्त देखने को मिल रही है। और चिराग पासवान की, क्योंकि ये सीट रही है पिछले 10 सालों से, प्रॉक्सी कैंडिडेट भी वही है, हालांकि जीजा जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में जल्दी से अब एक बार चले जाते हैं। अशोक सिंघल नागपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नितिन गडकरी संघ का भी, और नितिन गडकरी ने इस जगह को अपना गढ़ एक तरह से बना लिया है, ये किला आज भी उनके लिए इतना मजबूत दिखता है। अशोक, हाँ जी, ना बिल्कुल, वो दावा तो कर ही रहे हैं कि इस बार मार्जिन उनका 2 लाख के करीब था, पिछली बार उससे पहले भी 2 लाख से थोड़ा ज्यादा था, लेकिन इस बार 5 लाख की बात वो कर रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की 2 शिवसेना है, इस बार 2 एनसीपी है, 2-2 फाड़ हुई है, तो वोट का डिवीजन भी उस ढंग से उम्मीद की जा रही है कहीं ना कहीं होगा उसका, जो पहले एनसीपी उधर जाती थी तो एनसीपी का कुछ हिस्सा इधर भी है। तो और उसके अलावा नितिन गडकरी जो अपने तरीके से काम के नाम पर, अपने जो परफॉर्मेंस है, जो उन्होंने काम किया 10 सालों में, उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ जो विकास ठाकरे हैं, कुनबी जाति से आते हैं, कुनबी जो है यहाँ पे 4 लाख के करीब वोटर है, ओबीसी दलित काफी डोमिनेट करने वाली जातियां हैं, और कहा जाता है कि जिधर वो ज्यादा से ज्यादा जाते हैं वो डिसाइड करता है कि कौन जीतेगा। लेकिन नितिन गडकरी का अगर 2014 के बाद से देखें ट्रैक रिकॉर्ड, तो ये तमाम जातियों में काफी बड़ा हिस्सा नितिन गडकरी के पास भी आया है। और जहां तक वोट प्रतिशत की बात है, वोट जो पोल हुआ है 54% पिछली बार हुआ था, इस बार अभी तक 5 बजे तक 48% हुआ है, तो उम्मीद की जा रही है कि ऑलमोस्ट उतना या उससे कहीं ज्यादा वोट पड़ सकता है। लेकिन नितिन गडकरी काफी आशावान है, उम्मीद कर रहे हैं, आश्वस्त है इस बात को लेके कि जीत को लेके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मार्जिन की बात है कि मार्जिन कितना वो बढ़ा पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ विकास ठाकरे भी अंजना मेयर रहे हैं, कांग्रेस के विधायक कुमार अभिषेक के पास जल्दी से चलते हैं। रामपुर से हमारे साथ कुमार अभिषेक जुड़े हुए हैं, तमाम मेहमान भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन देखिए अभिषेक, आपके पास आने से पहले, चूंकि आप भी बिहार को लगातार कवर करते रहे, पहले बिहार के नंबर्स बहुत इंटरेस्टिंग है जो हमारे दर्शकों को सुनने चाहिए। 46.32 एवरेज है ये, 46%, 50% भी नहीं पहुंचा, जबरदस्त उदासीनता ऐसे कहा जा सकता है वोटर्स का। औरंगाबाद में सबसे ज्यादा, लेकिन वहां भी हाफ सेंचुरी नहीं बना पाए, 49.5%, 49.5%। औरंगाबाद से गया आइए जीतन राम मांझी के लिए, 5 बजे तक यहां पर 48.5% मतदान, सबसे कम नवादा में 40%, सिर्फ 40%। बिहार की उदासीनता वोटर्स की, वहीं पश्चिम बंगाल त्रिपुरा जैसी जगहों पर अति उत्साह, किस तरह से इसे देखा जाए इस पर सबकी नजर है, ओवरऑल 63% है, लेकिन रामपुर टोन सेट करता है, और पहले भी आपसे बात हो रही थी, टोन सेट करता है एक इस तरीके से कि आजम खान का ये गढ़ था, और यहां पर बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है कि हम कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से हम रामपुर को अपनी झोली में कर दें, और 80 के 80 का दम भर रहे हैं। चैलेंज बड़ा है,
देखिए अंजना, निश्चित तौर पर रामपुर टोन सेट करता है, लेकिन इस बार कोई टोन दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि किसी तरीके का करंट नहीं है। आजम खान जब यहां से चुनाव लड़ते थे तो एक तरह का करंट यहां दिखता था, एक चार्ज माहौल होता था, लेकिन इस बार बिल्कुल शांत है। हमने रामपुर के कई इलाकों को देखा है, लेकिन एक बात दिखाई दे रही है कि कहीं लंबी कतार नहीं, कहीं लंबी भीड़ नहीं, लंबी लाइन नहीं। लोग इक्के दुक्के करके आते रहे और वोट करते रहे। हालांकि 50% से ऊपर जा चुका है और तकरीबन 53-54% जाएगा, फिर भी वो उत्तर प्रदेश के एवरेज से कम ही होगा। लेकिन बीजेपी के लिए भी यहाँ एक समस्या है क्योंकि ये बहुत बड़ा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, 50% से ज्यादा यहाँ मुसलमान है और कहीं वोटिंग में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। लोग निकल करके आए हैं, उन लोगों ने वोट किया है। पिछले चुनाव में सबसे बड़ा आरोप लगा था कि प्रशासन ने लोगों को वोट नहीं डालने दिया, ऐसा आरोप था। लेकिन इस बार जबरदस्त जितने लोग निकले हैं सबने जबरदस्त अपने तरीके से वोटिंग की है, तो इस पर नजर रहेगी। दूसरी बात यह है कि 50% अगर आप मान लें से ज्यादा मुसलमान है तो लगभग 10% दलित है, यादव अच्छी खासी तादाद में है। इस लिहाज से बीजेपी के लिए ये सीट बहुत मुश्किल सीट इस बार एक बार फिर से हो गई है क्योंकि लोग आराम से निकल करके आ करके उन्होंने वोट किया है। एक ही बात जो दिख रही है वो ये कि क्या आजम का फैक्टर जो उदासीन रहा है, क्या वो सपा के पक्ष में जाता है या फिर सपा के विरोध में जाता है। यही एक एक्स फैक्टर है यहाँ पर जिसके आधार पर ये चुनाव होगा। घनश्याम लोधी और मोहिबुल्ला नदवी की ये लड़ाई बिल्कुल ये तय करेगा कि ये जो 80-80 का दम दोनों तरफ से भरा जा रहा है वो किस तरफ जाएगा। वैसे तो हर सीट उत्तर प्रदेश से लेकर हर राज्य की उतनी ही दिलचस्प है, लेकिन चूंकि इस बार एनडीए 400 पार का नारा दिया जा रहा है तो लड़ाई और इम्तिहान तो पहले दिन से ही सेट हो गया है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप तमाम हमारे सहयोगी जो जुड़े हमारे साथ 6 बजे के इस बुलेटिन में बताने की वोट प्रतिशत का क्या अर्थ है, बहुत धन्यवाद आपका। सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए, आलोक शर्मा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं, शशि शेखर जी जुड़ गए हमारे साथ, आशुतोष जी जुड़ गए। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी आपके पास आते हुए, बम्पर वोटिंग मतलब आप सोचिए कि जलपाईगुड़ी में 79.3% वोटिंग है, पश्चिम बंगाल में वोटिंग के लिए अति उत्साह, यूपी में 55-56, लेकिन बिहार में सिर्फ 46% वोटिंग, ये क्या कह रहा है? आपकी पार्टी से कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर राज्यवार आप इसका विश्लेषण करें तो चीजें बहुत साफ है। पश्चिम बंगाल में अभी तक जैसा चुनाव हुआ है तो पूर्व में जितनी घनघोर हिंसा की वारदातें हुई थी उसकी तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर नियंत्रण है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की जिस प्रकार की तैनाती है और सतर्कता है, तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि मतदाता को यह लगा हो कि भय मुक्त होकर चुनाव किया जा सकता है, वोट की जा सकती है। तो यदि भय अपेक्षाकृत कम रहा होगा, भय उत्पन्न करने का पूरा प्रयास किया गया है तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, तृणमूल की सरकार के द्वारा, परंतु यदि थोड़ी भी सुरक्षा का अनुभव और आश्वस्त होता है मतदाता, तो यह भी मान लीजिए इसका अर्थ होता है कि बड़े बदलाव की तरफ वो आगे बढ़ रहा है। इसका अर्थ यह होता है कि जो कुछ पश्चिम बंगाल में लोगों ने सहा है, मैं ये मानता हूं कि अगर 77%, 79% और 80% की वोटिंग हो रही है तो सभी राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि बड़ी संख्या में वोटिंग बड़े बदलाव और बड़ी प्रतिक्रिया का प्रतीक होता है। अब आइए दूसरे राज्यों में, मैं कहना चाहता हूं आइए बगल में बिहार में। बिहार में वस्तुस्थिति बहुत स्पष्ट हो सकती कि जब भाजपा, जदयू और जो हमारे एनडीए के घटक दल हैं इनके सामने अगर आप देखें तो सामाजिक समीकरण और वोट प्रतिशत के हिसाब से कहीं पर कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। दावे चाहे जो भी किए जाएं, क्योंकि कांग्रेस के पास तो कोई खास वोट है नहीं, लेफ्ट के पास कोई खास वोट है नहीं, कुल मिलाकर सब कुछ राजद के वोट के ऊपर ही रहना था। तो कई बार लोगों को लगता है यथास्थिति है, तो हो सकता है इस कारण से यथास्थिति के कारण उतनी रुचि ना दिखाई पड़ती हो, या कम से कम इतना तो जरूर मानना चाहिए। राहुल गांधी जी जो करंट कह रहे थे ना कि बड़ा भारी करंट है, तो अगर करंट होता है तो फिर तो उनके हिसाब से तो, और जो लालू यादव जी कह रहे थे फिर ये मत प्रतिशत नहीं होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में देखें तो कांग्रेस जिस करंट के ऊपर आश्रित नजर आता है, कांग्रेस और सपा का गठबंधन, उस करंट का जो पावर हाउस है रामपुर, अगर वहीं करंट का वोल्टेज इतना कम नजर आ रहा है तो फिर खुद समझा जा सकता है कि जो दावे हैं और जो हकीकत है उसमें कितना भारी अंतर है। अतः मैं निष्कर्ष रूप में कह सकता हूं कि पहले चरण के चुनाव समाप्त होते होते अगर आप विश्लेषण देखें
तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एक निर्णायक बढ़त की तरफ आगे होते दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप राज्यवार इस पैटर्न को देखेंगे तो एक तरफ कहीं जनता को लग रहा बिल्कुल स्थिर और स्पष्ट जनादेश है, इसलिए सहजता से वोट कर रहे हैं, और जहां उनको लग रहा है कि अब की बार हमें इस चंगुल से मुक्ति पानी है तो वहां पर वो लोग जबरदस्त तरीके से वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जो मुझे ठीक है, एक खबर आ रही है, आपको टोक रही हूँ, एक सेकंड सुधांशु जी, क्योंकि आज खबरों की बौछार जब भी आ रही है अपने जो हमारे मेहमान हैं उनको रोकेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कूच बिहार की सीट, जहां पर निश्चित प्रमाणिक है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्य मंत्री रह चुके हैं, वहां पर बीजेपी उम्मीदवार निश्चित प्रमाणिक ने आरोप लगाया है टीएमसी पर। एक पोलिंग बूथ पर टीएमसी के गुंडों का हंगामा, 100 बाइक पर आए टीएमसी के गुंडे, उन्होंने उत्पात मचाया। पहले टीएमसी ने बीजेपी पर लगाए थे गुंडागर्दी के आरोप, टीएमसी ने सुबह से ही जारी किया था वीडियो, टीएमसी ने किया था, उसी पर अब ये भी आए हैं सामने और इन्होंने भी अपनी तरह से आरोप लगाया है। आइए जल्दी से आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है। था कि बहुत सारा जो गुंडे है तृणमूल का एंटी सोशल एलिमेंट, वो बाइक लेकर 100 से भी ज्यादा बाइक लेकर इस बूथ पे आया और तोड़फोड़ किया बूथ को, तो मैं तुरंत यहाँ पर आया क्योंकि हाँ बहुत सारा महिला के ऊपर आक्रमण किया, बहुत सारा लोगों का सर फोड़ दिया। नाटाबारी विधानसभा में भी यहाँ पर भी आया तृणमूल का सभी गुंडे मिलकर यहाँ पर अत्याचार किया, बूथ पर आके तोड़फोड़ किया, लोगों का जो गणतांत्रिक अधिकार है वो छीनने का काम किया। मैं कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन को और भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। टीएमसी ने सुबह ही आरोप लगाया था, उन्होंने वीडियो भी जारी किया था, अभी इधर से निश्चित प्रमाणिक भी बीजेपी की तरफ से यही आरोप लगा रहे हैं। 77% वोटिंग यहां पर हुई है, सिर्फ दो लाइन में सुधांशु जी अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि खबर बताने के लिए हमने आपको टोका था, जिसके बाद मैं आलोक जी के पास जाऊंगी। आप कह रहे हैं कि चूंकि वहां पर सेंट्रल फोर्सेस वहां पर तैनात है तो लोगों में ज्यादा विश्वास है वो वोटिंग के लिए, लेकिन इसका क्या, ये जो कूच बिहार जलपाईगुड़ी इन तमाम जगहों पर आप लोग आमने सामने हो गए हैं, वो उन्होंने पहले वीडियो जारी किया था, अब निश्चित प्रमाणिक कह रहे हैं कि टीएमसी के गुंडे आ गए बाइक पे। देखिए अभी जो निश्चित प्रमाणिक जी ने कहा है, मुझे लगता है चुनाव आयोग इस सारे विषय के ऊपर नजर रखे हुए होगा, अगर वहां पर बूथ पर कुछ हुआ है तो आज के जमाने में बहुत सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए जा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, मगर एक बात बहुत साफ है, संदेश खाली से लेकर डायमंड हार्बर तक जो कुछ हुआ है तृणमूल के शासनकाल में वो किसी से छुपा नहीं है, तो जो कुछ निश्चित प्रमाणिक जी कह रहे हैं बहुत प्रामाणिक नजर आता है, जो पश्चिम बंगाल के पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं को यदि देखें। अब आलोक जी के पास, अब सुधांशु जी रुक जाइए, आलोक जी आपके पास आते हुए मेरा प्रश्न आपसे यह है कि उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी, आप भी अपना लॉजिक देखेंगे। पश्चिम बंगाल में वो कह रहे चुकी इस बार रिजर्व फोर्सेस, सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस वहां पर तैनात थी, लोगों में ज्यादा विश्वास आया इसलिए वहां पर बंपर वोटिंग हुई है, जबकि बिहार में यूपी में वो अपना एंगल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा राहुल गांधी कहते थे कि करंट है वो रामपुर उसका प्रतीक है और वहीं पर वोल्टेज कम नजर आ रहा है। दोनों पर आपका जवाब और आपकी पार्टी का क्या आकलन है, ये जो कम वोटिंग और बहुत कम 46% सिर्फ बिहार में है, इसको आप कैसे देखते हैं, और टीएमसी की जहां पर शासन में है पश्चिम बंगाल में इतना ज्यादा वोटर टर्नआउट, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि ये जो पहले वाला लॉजिक दिया गया है वो तो पूरी तरह से ही निरस्त है। अगर बंगाल में सेंट्रल फोर्सेज ने काम किया तो क्या बिहार और यूपी में काम नहीं किया क्या? क्या वहां पर उन्होंने लोगों को रोक दिया वोट डालने से? तो मैं समझता हूं कि सुधांशु भाई शायद अपने लॉजिक को पूरी तरह से खुद ही निरस्त कर चुके हैं। अगर सेंट्रल फोर्सेस वहां पर बंगाल में अच्छा काम कर रही हैं तो क्या यूपी में पाकिस्तान से कोई फोर्स बुलाई हुई थी क्या कि जो अच्छा काम नहीं कर रही थी? और अगर वहां पर सेंट्रल फोर्सेज की वजह से डर खत्म हो गया तो क्या यूपी और बिहार में डर हो गया? ऐसा नहीं है। देखिए जहां पर भी पूरा आप आकलन करके देखिए, बीजेपी के रूलिंग स्टेट जहां पर हैं, आप देखिए किस तरह से बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश और दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, दोनों का अगर वोट परसेंटेज का डिफरेंस देखेंगे तो 8 से 10% का डिफरेंस है। यूपी में, बिहार में जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर पोलिंग परसेंटेज, वोट परसेंटेज कम है। मैं इसलिए कहूंगा कि बीजेपी गई इस बार,
जो हम नारा दे रहे थे कि साउथ साफ और उत्तर हाफ, वो पूरी तरह से चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके दो तीन कारण हैं। सबसे पहली चीज तो जो प्रधानमंत्री जी के जो निम्न स्तरीय भाषण हैं, वो अब लोगों के अंदर कोई भी किसी तरह का कोई नहीं जगा पा रहे हैं उत्साह। जिस तरह की आज की भाषा, अभी जो आज तक पर मैं देख रहा था, दो शहजादों की जोड़ी, फिल्म की शूटिंग, प्राण प्रतिष्ठा, प्रभु राम पर चले गए वापस, तो कहीं ना कहीं आज देश के प्रधानमंत्री को नजर आ गया है कि केवल वही एक पोलराइजेशन का ही रास्ता बचा है। आपने बार बार कहा कि किस तरह से यहां पर बदलाव के लिए वोट हो रहा है। अरे भाई, बदलाव कैसे होगा वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में बदलाव कैसे होगा? क्या स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव है क्या? ये तो चुनाव जो है वो केंद्र सरकार के लिए है। तो क्या केंद्र सरकार के लिए बदलाव के लिए आप कह रहे हैं? मैं समझता हूं कि आज एक स्पष्ट आंकड़ा दिखाई देता है अंजना जी, कि जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर 8 से 10% वोट कम है, सबसे पहला आंकड़ा। दूसरा, जिस तरह से मोदी फैक्टर और राम मंदिर के भरोसे केवल और केवल के मोदी जी के नाम पर वोट पड़ जाएगा और हम जीत जाएंगे, आज पूरा बीजेपी का वर्कर शिथिल हो गया है। बीजेपी के वर्कर को समझ आ गया कि ऊपर वाले लोग भ्रष्टाचार करेंगे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसा खाएंगे और हमारी वर्कर्स की कोई कदर नहीं होगी। आज आरएसएस ने भी अपना हाथ खींच लिया, आरएसएस ने वोटिंग नहीं कराई है। मैं कई राज्यों की रिपोर्ट लेने के बाद आपके सामने बैठा हूं, आरएसएस के तमाम लोग घरों से नहीं निकले। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचारी सरकार है, इसको जाने दो। मोदी की सरकार गई। आज का जो पहला फेज था वो निर्णायक फेज था इनके लिए, और वो इंडिकेशन ये कर रहा है कि पूरी तरह से, जैसे राजस्थान में 12 सीटें हैं, 12 की 12 बीजेपी के पास थी, आज 7 से 8 सीटें कांग्रेस पक्के तौर पर जीत रही है पहले फेज में। मुझे लगता है कि बीजेपी को आकलन करना चाहिए। और इस जो मैं आज मैं दे रहा हूं, आज तक अहमदाबाद से ये शो कर रही हूं अपने दर्शकों को ये बताते हुए और आप लोगों को भी, चारों मेहमानों को, कि अभी फिलहाल मेरा ऑडियो कट गया है, लेकिन मैं उम्मीद कर रही हूं कि आलोक जी ने अपनी बात पूरी कर ली होगी। मैं अगला सवाल बोल देती हूं, तब तक फोन फिर से कनेक्ट हो जाएगा। शशि शेखर जी, सुधांशु जी एक साथ जवाब दीजिए। शशि शेखर जी और आशुतोष जी भी एक छोटा छोटा वर्जन दे दें आज वोटर टर्नआउट पे। बहुत दिलचस्प मोड़ पे बहस आ गई है शशि शेखर जी। देखिए, वोटर टर्नआउट अब यहां से, अब जितनी पार्टी के नेताओं से आज बात करेंगे, नहीं नहीं एकदम कमाली हो गया है पश्चिम यूपी में, यहां से एकदम अब हम लोगों की बयार बह रही है, बिहार में अगर कम है तो वो सत्ता के खिलाफ नहीं है। लेकिन आलोक शर्मा जी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता दी की तो राज्य में सरकार है ना, देश में तो सरकार मोदी जी की है। उनका ये कहना है कि चाहे तमिलनाडु में डीएमके की है लेकिन देश में तो मोदी सरकार। तो हाई वोटर टर्नआउट जो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में है, उसको वो कहते हैं कि वो केंद्र सरकार के खिलाफ इतना हाई वोटर है। अब आपको तलवार की धार पर चलना है, आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं? और फिर सेम सवाल आशुतोष जी की, आप भी इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इन्हीं जगहों पर वोटिंग देखी गई है। ये राज्य के खिलाफ है या केंद्र के खिलाफ? अंजना, मैं आपकी बात का बहुत सीधे लफ्जों में जवाब देना चाहूंगा। सुधांशु जी और आलोक जी की बातों का अपना अर्थ है और उसके पीछे उसके निहितार्थ हैं, तो वो मैं उनके सम्मान करते हुए, दोनों अपने मित्रों का, मैं उनकी बात का जवाब नहीं दे रहा। लेकिन अगर किसी चुनाव को पढ़ना है तो पिछले कई मतदानों ने साबित किया है कि ज्यादा या कम टर्नआउट किसी खास दिशा में नहीं ले जाता। ये अगर इसको आपको देखना है तो देखना यह होगा कि किस तरह की पोलिंग बूथों पर ज्यादा मतदान हुआ, जिस जगहों पर मतदान ज्यादा हुआ वह किस तरह के लोग रहते हैं और जो लोग रहते हैं उनकी लीनिंग किस तरफ थी। तो इसकी अभी एनालिसिस, चूंकि अभी अभी मतदान अभी तो चल ही रहा है, कुछ जगहों पर कुछ जगह खत्म हो गया है, ये करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये मेरे लिए आश्चर्यजनक है, और ये मैं अपनी बात बता रहा हूं एक पत्रकार के नाते, कि बिहार और उत्तर प्रदेश में मतदान कम क्यों हुआ, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि यहां मतदान बहुत ज्यादा होगा। और वो उम्मीद इसलिए थी कि जनता में मुझे जोश नहीं दिख रहा था, जनता बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। हम लोग कुरेदते थे मैदान में जाकर, तब भी हमें जवाब बहुत ही गोल बोल मिलते थे, तो लगता था। लेकिन चुनाव आयोग ने बहुत कोशिश की थी, बहुत से नए मतदान केंद्र बनाए गए थे, प्रयास था कि लोग निकले, लेकिन लोग उतने निकले नहीं। अब इसका नतीजा क्या निकलता है जना, 4 जून तक वेट करना होगा। मैं इस पर कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकता, मुझे 1-2 दिन लगेगा अपने संवाददाताओं से बात करके कि किन लोगों ने ज्यादा मत किया है, किन लोगों ने कम मत किया है। एक बात बहुत साफ है,
शहर फिर पिछड़ गए हैं और शहरों का पिछड़ना यकीनन एक संकेत देता है। अंजना बिल्कुल, आशुतोष जी अब आपके पास आते हुए यही सवाल का जवाब, मैं तो एक डायरेक्ट कंपैरिजन कर रही हूँ, बिहार 46%, पश्चिम बंगाल 77%, मतलब जलपाईगुड़ी जैसी जगहों पर 80% को छूता हुआ वहां पर वोट परसेंटेज, तमिलनाडु में 66% के आसपास वोटिंग, ये स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, ये क्या वाकई कुछ संकेत दे रहा है? गर्मी की वजह से नहीं निकले या उदासीनता सत्ता पक्ष या विपक्ष के की तरफ से, क्या मतलब इसको कैसे एनालाइज आप करते हैं? देखिए इसमें एक चीज तो मैं शशि जी की राय से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि वोटर में कम उदासीनता हमको दिखाई पड़ रही है और वो उदासीनता कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा है। अगर आप 4-5 राज्य जो बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए भी, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और इसके अलावा अगर आप देखें मध्य प्रदेश और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अकेला उत्तर प्रदेश अकेला है जहां पे ऐसा लगता है कि जो पिछली बार जिस तरह जितनी पोलिंग हुई थी लगभग उतनी ही पोलिंग इस बार होती हुई दिखाई पड़ रही है, 57.54 और पिछली बार की जो पोलिंग थी, मतलब पूरे में पूरे चुनाव की लेता हूं 2019 की, तो उसमें 59.21% था, लेकिन बिहार में पिछली बार पूरे चुनाव में 57.33% पोलिंग हुई और इस बार 46.32, और साथ ही साथ अगर आप राजस्थान देखें तो पिछली बार 66.34, पूरे चुनाव की बात मैं कर रहा हूं, फर्स्ट फेज की बात नहीं कर रहा हूं, तो इस बार 50.22। मैं ये मान के चलता हूं कि जब आखिरी नतीजे आएंगे तो इसमें कम से कम 2% का इजाफा सारे पोलिंग बूथ पे होगा, क्योंकि आखिरी नतीजे आते तक 2% से 3% तक का इजाफा हो सकता है। तो राजस्थान से जिस तरीके की खबरें आ रही थी कि वहां कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पे जाटों के अंदर अच्छी खासी नाराजगी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर वहां नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है, बिहार के अंदर भी जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पलटी मारी उसकी वजह से भी वहां पर कुछ कमजोरी दिखाई पड़ रही है, लेकिन बिहार में 10% का फासला होना और कम से कम 8% का फासला होना यह दिखाता है कि ना तो लोग किसी को जिताने के लिए निकले हैं ना ही लोग किसी को हराने के लिए निकले हैं। तो इसलिए मेरा अपना मानना यह है कि इसमें ना तो सत्ता पक्ष बहुत ही निष्पक्ष तरीके से बैठ सकता है और ना ही विपक्ष, दोनों के लिए चिंता का सबब है और दोनों के लिए ही दिक्कत पैदा होने वाली है। अब ये गर्मी की वजह से है या कहीं कोई नाराजगी है, उदासीनता है, ये कहने वाली बात, क्योंकि आज दिन में बहुत ज्यादा गर्मी थी, हम लोग भी जब दिन में निकले तो लगा कि बहुत ज्यादा गर्मी, तो लोग गर्मी की वजह से भी ना निकले होंगे, लेकिन उदासीनता तो बिल्कुल दिखाई पड़ती। जैसे अगर आप मणिपुर चले जाएं, मेघालय चले जाएं, त्रिपुरा में देखें, सिक्किम में देखें, पुडुचेरी देखें, असम देखें, JNK देखें, वहां पे भारी मात्रा में 70% के ऊपर पोलिंग हुई है। तो बिहार में 46% के आसपास, राजस्थान में 50% के आसपास, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं गहरी उदासीनता है, लोगों के अंदर निराशा है, इसलिए नहीं निकले हैं। ठीक है, निराशा किस बात से, किसके खिलाफ? अच्छा, कभी कभी जिस तरीके का सिस्टम चलता रहता है, निराशा दोनों तरफ से हो सकती है, निराशा सत्ता पक्ष से भी हो सकती है, निराशा विपक्ष से भी हो सकती है, क्योंकि लोगों की जो अपेक्षाएं होती हैं वो या तो सत्ता पक्ष से होंगी कि भाई पिछले 10 साल में आपका काम था बहुत अच्छा हुआ, चलो हम आपको वोट देने के लिए निकलते हैं, लेकिन अगर वो निराश है तो भी नहीं निकलते हैं क्योंकि लगता है वोट देके क्या होगा। विपक्ष से जिनको उम्मीद थी कि विपक्ष सरकार के खिलाफ कुछ करेगा, सरकार को हराने के लिए एकजुट होगा, सरकार के खिलाफ माहौल बनाएगा, अगर विपक्ष से भी नाराजगी होती है तो भी लोग नहीं निकलते उस तरीके से, क्योंकि लोग कहते हैं करेंगे क्या, विपक्ष को वोट दे नहीं सकते, सत्ता पक्ष के पास हम जाना नहीं चाहते, तो दोनों तरफ से बराबर की बात होती है। इसमें सुधांशु जी अब आपके पास दोनों के कमेंट पर आपका जवाब, और साथ ही देखिए बिहार को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैं भी ये मानती हूँ कि जिस तरह की गर्मी थी, यहाँ मोबाइल बंद हो जा रहा था खुले मैदान में गांधीनगर में कि टेम्परेचर इज टू हाई, मोबाइल के नॉट वर्क, तो किस तरह की गर्मी है देश में वो देखी जा सकती है। 5 से 6 बजे मुझे भी लगता है कि 2-3% कई जगहों पर वोट प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन बिहार को और राजस्थान को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये दो ऐसे राज्य हैं जो आपके लिए क्रूशियल हैं। एक सीट छोड़ बिहार में आपने पिछली बार सभी सीटें जीती थी, राजस्थान में सभी सीटें जीती थी, ऐसे में इतने कम वोटर्स का निकलना, एक एक डायरेक्ट कोरिलेशन क्या वोटिंग पैटर्न में उनकी उदासीनता से जोड़ा जा सकता है? जी देखिए, गर्मी वाली बात से मैं भी आपके सहमत हूँ, क्योंकि नियम ये कहता है कि 6 बजे तक भी जो लोग आखिरी समय तक भी जो लोग लाइन में लग जाएंगे उन्हें वोटिंग का मौका मिलेगा। तो हो सकता है बहुत से लोग थोड़ा सा धूप कम होने के बाद आए हो तो 2-3% यहाँ बढ़ सकता है। परंतु मैं तीनों लोगों के बारे में जो टिप्पणी करना चाहूंगा, देखिए आलोक जी तो अद्भुत बता दिए, वो तो आरएसएस के अंदर क्या बात हो रही है और आरएसएस ने क्या प्लानिंग कर ली है और आरएसएस क्या डिसाइड कर ली है, ऐसा लगता है कि नागपुर के केशव कुंज में से बैठक करके आ रहे हैं।
वो तो इतना बढ़िया विश्लेषण देने लगते हैं। अब जो कुछ बोला आशुतोष जी ने, मैं विश्लेषण से सहमत हूं जो शशि शेखर जी ने बोला कि कई बार जब वोटिंग प्रतिशत कम होने पे हमें यह भी देखना पड़ता किन क्षेत्रों में मत प्रतिशत क्या रहा, किसका कंपैरेटिवली ज्यादा रहा या कम, जो आशुतोष जी ने बोला उस विश्लेषण को अगर देखें तो जो हमारे आलोक जी बोल रहे थे कि उत्तर हाफ और साउथ साफ, तो भैया आशुतोष जी की बात माने तो आपका तो प्लग ही ऑफ कर दिया, उन्होंने तो कहा उदासीनता है, तो करंट नाम की तो कोई चीजें नहीं है। अब वो ये भी कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष से भी उदासीनता हो सकती उनके विश्लेषण में और प्रतिपक्ष से भी। मैं यहां दूसरी बात कहना चाहता हूं, कई बार क्या होता है प्रतिपक्ष का रवैया इतना नकारात्मक और गैर जिम्मेदाराना नजर आता है, चूंकि लोगों को लगता है कि अब इसमें कोई संभावना ही नहीं है, तो कई बार निर्णय एक फोरगॉन कंक्लूजन हो जाता है। अब मैं यहां कहूं, बचपन से आज तक हम जो विश्लेषण देखते आए हैं अंजना जी, हमेशा राजनीतिक विश्लेषक दो बात कहते हैं, यदि काफी कम पोलिंग हुई तो लोग कहते हैं इससे कमिटेड वोटर वाली पार्टी को लाभ होगा, यदि ज्यादा पोलिंग हुई तो लोग कहते हैं इसका मतलब वो चेंज लाना चाहते हैं। अब कह रहे हैं प्रदेश का चुनाव नहीं, तो मैं बताना चाहता हूं 2009 के मुकाबले 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा बढ़ोतरी हुई थी, 7-8%, 73 सीटें आई थी। अब आप कह रहे हैं राजस्थान में पिछली बार ज्यादा क्यों हुई थी, राजस्थान में कांग्रेस के कुशासन से लोग दुखी थे। अब अगर कह रहे हैं तमिलनाडु में वो ज्यादा वोट कर रहे हैं, तो तमिलनाडु में तो सारी सीटें उनकी जीती हुई हैं, तो वो अपनी सीट पे ज्यादा वोट करके बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं, ये तर्क समझ में नहीं आता। अगर आप कह रहे हैं बंगाल में ज्यादा वोट कर रहे हैं, तो वो तो अब ममता जी तो साथ में नहीं है कांग्रेस के, तो वो कांग्रेस के पक्ष में इतनी हवा आ गई, मतलब राहुल गांधी का करंट ऐसा चल रहा है कि वो लेफ्ट और कांग्रेस को वोट न करके ममता जी को वोट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देश की प्रबुद्ध जनता इसको समझती, तो मेरा विश्लेषण पुनः ये है कि जिन जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है, आप वहां परसेंटेज ज्यादा नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं वहां रिएक्शन है, और उत्तर भारत के राज्यों में लोगों को उदासीनता है और मुख्यतः विपक्ष के नजरिए से, इसलिए उनको लगभग स्पष्ट नजर आ रहा है कि निर्णय क्या होने जा रहा है, इसलिए भी हो सकता है लोग कम आए। और कमिटेड आलोक जी, वो जो पारंपरिक तरीका है उस पर अपना फोकस कर रहे हैं, ठीक है जी जी सुधांशु जी, पारंपरिक जो तरीका उस पर फोकस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पर कम मतदाता निकले हैं क्योंकि वो सत्ता से खुश है, जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर ज्यादा निकले हैं वहां की पार्टी के खिलाफ, क्षेत्रीय दल के खिलाफ। आलोक जी देखिए, मुझे लगता है कि वहां की राज्यों के खिलाफ अगर चुनाव होता, राज्यों का चुनाव होता, तो मैं इस तर्क को बिल्कुल स्वीकार करता, लेकिन जब राज्यों का चुनाव नहीं है, केंद्र का चुनाव है, तो स्वाभाविक है कि मैं इस तर्क को दरकिनार करता हूं। लेकिन आज की जो बात है वो पूरा एक पैटर्न आ रहा है, हिंदी बेल्ट, बिहार देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, राजस्थान देखिए, उत्तराखंड देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, हिंदी बेल्ट में वोट परसेंटेज कम होना और उदासीनता होना और भयंकर उदासीनता होना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं अब लफाजी नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं ये बताता है कि झूठ के जो भाषण हैं उनका प्रभाव नहीं हो रहा है। अभी तक भी देश के प्रधानमंत्री आज भी विपक्ष को ही कोस रहे हैं, तो ये उदासीनता का मूल कारण जो है वो ये है कि भाजपा जो है वो 2-3 लोगों के हाथ में आ गई है और वो लोग केवल और केवल झूठ बोल रहे हैं देश के सामने। उदासीनता का एक बहुत बड़ा कारण है कि आप कन्हैया लाल के नाम पर आपने वोट मांगा तो वोट परसेंटेज बढ़ा, लेकिन अब किस बात पर वोट मांगेंगे, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, इसलिए कहीं ना कहीं मतदाता के अंदर जो उदासीनता आई है उसका मूल कारण है कि तमाम जो समस्याएं हैं वो वहीं की वहीं खड़ी हैं। देश के प्रधानमंत्री ने 2022 के फरवरी में कहा था कि छुट्टे जो जानवर हैं, पशु हैं उत्तर प्रदेश में, मैंने भाइयों बहनों मित्रों उसका फार्मूला ढूंढ लिया है, 15 दिन में समाधान हो जाएगा। लेकिन आज एक अच्छी बात हुई, उनको योगी जी भी याद आए हैं अभी भाषण में, अभी तक योगी जी याद नहीं आ रहे थे। आज मुझे लगता है कि उनकी कास्ट, जाति, धर्म, तमाम जो पैंतरे वो चलते थे भाजपा के लोग, वो इस बार नहीं चले हैं, और उदासीनता भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक है कि अगर 50-55% वोट परसेंटेज हो रहा है जिस वोटिंग लिस्टों के फिल्ट्रेशन के बाद भी, तो मुझे लगता है भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत गलत चीज है ये, और ये इसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को भी मुठभेड़ में कर लो, कि हमें बहस करना पड़ेगा। शशि शेखर जी, आशुतोष जी, आलोक जी, सुधांशु जी, सिर्फ दो दो लाइन बोलने का वक्त रहेगा, प्रश्न एक ही है, 400 पार का दम जो शशि शेखर जी एनडीए भर रही है, प्रधानमंत्री एनडीए के लिए भर रहे हैं, क्या वो मुमकिन होता हुआ दिख रहा है आज के ट्रेंड्स के बाद? दो लाइन का जवाब। अंजना, मैं हमेशा की तरह मेरा जवाब है, मैं ओल्ड स्कूल का स्टूडेंट हूं और मैं कोई भी भविष्यवाणी 4 जून से पहले नहीं करूंगा। आशुतोष जी,
आशुतोष जी आजकल लेकिन शशि जी खूब भविष्यवाणी करते हैं एकदम, बीच बीच में एक लाइन ड्रॉप कर देते हैं और जनता उस पर चर्चा करती रहती है। हाँ आशुतोष जी, मैं ओल्ड स्कूल के मास्टर जी का शिष्य हूँ, इसलिए मैं भी भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, आप अच्छी तरीके से इस बात को जानती हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये जो दौर है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मुश्किल वाला दौर है, और क्योंकि इसमें राजस्थान भी है, इसमें उत्तर प्रदेश भी है, दोनों जगह बीजेपी की स्थिति कमजोर दिखाई पड़ती है, इसमें महाराष्ट्र भी है और बिहार भी है और साथ ही साथ तमिलनाडु भी। तो अगर सीटों के लिहाज से देखेंगे तो ये बीजेपी, आलोक जी दो लाइन। देखिए मुझे लगता है राहुल जी ने जो बात कही थी कि मामला 150 के आसपास ही रहेगा, उत्तराखंड में बीजेपी हाफ से भी कम, 2 सीटों मुश्किल से जीत पाएगी, 3 सीटें हम कंफर्म जीत रहे हैं, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हमारा प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा, बीजेपी 150 पार नहीं जा पाएगी। ठीक है सुधांशु जी, सिर्फ दो लाइन, वो कह रहे राहुल जी का प्रेडिक्शन सही हो, सिर्फ दो लाइन। देखिए अगर इनकी राहुल के, बस एक ही लाइन, राहुल के करंट में दम होता तो रामपुर में स्पार्किंग हो गई होती, तो मैं सिर्फ एक लाइन कहूंगा, राहुल इंडी और घमंडिया, सबका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही चूकी नियत नेक। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी 6 दौर का मतदान बाकी, अभी तो पहले दौर की 102 सीटों पर हुई है, अभी लंबी रेस में मैराथन रेस ये चुनावों का, इस बार 6 और दौर बचे हुए, 4 जून को नतीजे आएंगे, फिर देखते हैं किसके दावे सही और किसके हवा हवाई। देखते रहिए आज तक रात 8 बजे अहमदाबाद से, जरूर देखिएगा राज तरंग, जो जनता और नेता होंगे आपके साथ।